अस्सलामु अलैकुम शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माय नेम इज़ हाशिम अली और आज मैं आपके जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है वो मैथ टाइप 6.9 का वर्जन को डाउनलोड करना है और इसे एक्टिवेट करने का मेथड्स है। दोस्तों, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा है कि उनको जो है मैथ टाइप इंस्टॉल नहीं करना आता, उसको यूज़ करना नहीं आता, तो इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह इसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि आप अपनी वीडियो को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं मैथ टाइप को, और उसको यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों, ये जो व्यूअर्स मैंने मैथ टाइप 6.9 का वर्ज़न यूज़ किया है, ये मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि जो आपके एग्ज़ाम सेंटर में इस्तेमाल होता है वो मैथ टाइप 6.9 वर्ज़न है। जो भी कैंपस होगा आपका वो इस मैथ टाइप 6.9 ही यूज़ करता है। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, चले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इंस्टॉल MTM 6.99 पे क्लिक कर लेना है और जैसे सिंपल इंस्टॉल करते हैं आपने इंस्टॉल कर लेना है। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एंड एग्रीमेंट, नेक्स्ट करें। और इसके बाद ये देखें, आपने इधर कुछ नहीं करना, आपने करना है इवेल्यूएट टाइप फॉर 30 डेज एंड नेक्स्ट सेटअप कर देना है। और इसके बाद आपने यहाँ पे ओके, इंस्टॉल का बटन है, आपने यहाँ पे ओके कर देना है और ये आपके जो है इंस्टॉल हो रहा है और ये आ रहा है कि मैथ टाइप 6.9 कैन नॉट रिमूव द फ्रंट सिंपल टाइगर टाइप टू, दिस फॉन्ट इज़ रिक्वायर्ड माय टाइप, प्लीज़ कंटिन्यू द ऑल अदर रनिंग ऐप एप्लीकेशन द मैथ टाइप विच सेटअप्स अगेन। तो हमारा ओके, हम इसको अभी क्लोज कर देते हैं इसको और ओके करते हैं और उसके बाद जो है हमारा जो है इंस्टॉल हो गया है और अब इसके बाद आपने एग्जिट सेटअप करना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ कर दें, आपने स्टार्ट में जाना है, उधर जाके मैथ टाइप सर्च करना है, MATH मैथ टाइप, आपके ये मैथ टाइप आ गया है, आपने इसको ओपन करना है। ओके एंड कंटिन्यू डेमो पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू डेमो पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपके लैब में इस्तेमाल होता है, आपने जो है हेल्प में जाना है और यहाँ पे आएगा अनलॉक रजिस्ट्री मैथ टाइप, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल विंडोज़ में कर लेता हूँ और फिर आपने अपने मैथ टाइप फोल्डर में जाना है, इसको ओपन करना है, एक्टिवेशन मैथ टाइप 6.9 को। और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, खैर ठीक है, ऐसे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। इसमें सारा इंस्टॉलेशन मेथड बताया हुआ है, आपने जो है यहाँ पे आ जाने हैं सीधा और यहाँ पे आके हम ये जो कोड है वो इंटर कर देंगे। तो इस कोड को हम इंटर कर देते हैं, यानी अनलॉक रजिस्ट्री मैट टाइम। तो सबसे ऊपर लिखना है हमने टैम, उसके बाद लिखना है CORE। दोस्तों इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो कैपिटल में है कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में लिखना है। तो प्रोडक्ट की इंटर कर देते हैं, MTWA 6 9 6 9 1 - 0 1 0 4 5 2 and small g। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ये लिख दी है, इंटर कर दी है
उसके बाद आपने सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग याद रखनी है वो इसको अनचेक करना है। अगर आप चेक पे कर देंगे तो ये जो है आपका नेक्स्ट प्रोसीजर हो जाएगा, तो ये आपका सबमिट नहीं होगा। उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है और यहाँ से यस कर देना है और ये आपका थैंक यू फॉर परचेजिंग MathType, वी अप्रिशिएट यू इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड विश यू मैनी हैप्पी हॉर्स ऑफ इक्वेशन एडिटिंग। तो दोस्तों ये जो है हमारा MathType रजिस्टर इंस्टॉल हो चुका है और अब हमने इसको ओके कर देना है। फिर इस फाइल को हम बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इसको अब ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये है हमारी पहली साइज बार के फाइल एडिट व्यू फॉर्मेट स्टाइल साइज प्रेफरेंस एंड हेल्प। स्टूडेंट्स मोस्टली इशू वहाँ आता है, चलिए मैं आपको एक एक बार के बारे में बता देता हूँ। 6 मिनट हुए हैं अभी। तो दोस्तों सबसे पहले आपने फाइल पर क्लिक करना है और आपने देखना है न्यू ओपन क्लोज F4 एंड 7 एंड प्रिंट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका इजीएस्ट मेथड बताता हूँ कि आपने क्या करना है। लेट से हम यहाँ पे कुछ मैथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 4x इज इक्वल टू एंड इज द आंसर इज। दोस्तों ये चीज़ आप नोटिस करें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप MathType यूज़ करें तो सबसे पहले आपने एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि यहाँ पे देखिए स्टाइल पे जब आप मैथ यूज़ करेंगे तो आप मैथ पे क्लिक करेंगे, जब आप टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा कि ये देखें मैंने टेक्स्ट पे क्लिक करना, टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक नहीं करूँगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। ये देखिए मैं MathType इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो आंसर इस इसमें आपने देखा इसमें स्पेसिंग नहीं आ रही, तो ये हमारे लिए स्पेस लाना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो हल है कि हम इसका कंट्रोल स्पेस प्रेस करें तो होगा, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो होगा। अगर हम कंट्रोल प्रेस स्पेस नहीं करते तो हम लिखते जाएंगे फरहान ये, तो हमारा स्पेस नहीं आ रही, तो हमने स्पेस देनी है। तो हम इसको कट करते हैं और इसको टेक्स्ट में करते हैं। ये देखिए मैंने इसको टेक्स्ट में किया, अब आप इसका स्टाइलिंग चेक करिएगा। आंसर साइंस वॉरी टेक्स्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन yesterday question is 6x, that's great dear। अब आपने देखा कि जब अगर मैं इसको इसमें लिख रहा था MathType में तो वो कुछ इस तरह का आ रहा था इटैलिक में, लेकिन जब मैंने उसको टेक्स्ट में किया तो ये इस तरह हो गया। तो दोस्तों आपने क्या करना है, अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप इसको टेक्स्ट में लिखेंगे, अगर आपने इसको मैथ लिखना है तो आप इसमें मैथ लिखेंगे। ठीक है जी, मैं आप सबको एक सजेस्ट करना चाहूँगा जो मुझे पर्सनली पेपर्स में बहुत दफ़ा होता रहा है कि कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं लेकिन टाइम की वजह से हमारे प्रॉब्लम की वजह से या सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाता है, नहीं हो पाता। उसकी क्या रीज़न होती है कि ये ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है, आपने MS ऑफिस ओपन कर लेना है। इसको ओपन करते हैं, इसको जब ये ओपन होगा घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, एंजॉय करें, मैं भी कर रहा हूँ, खैर आप भी करें।
ओके जी, ये अब हमारा मैथ टाइप ओपन हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें एक काम करेंगे कि हम इसमें कोई क्वेश्चन लिख देते हैं जैसा कि हमने ये लिखा था। दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद इसको मैथ वर्ड पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया है। ये पेस्ट हो गया है। अब मैं आपको जो चीज़ बताना जा रहा हूँ उसको आपने गौर से देखना भी है और समझना भी है। ये देखिए, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, नो, ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपने भी ऐसे ही करना है। आपके पास जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन होगा वो आपने इसको इधर इसमें वर्ड में कॉपी करके पेस्ट करना है और उसके बाद इधर जाकर डबल क्लिक करना है। क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो ये मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ये मेरे पास आंसर आ गया है, क्वेश्चन आ गया है। तो मैं इसका लिख देता हूँ, दे पहले मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, द आंसर ऑफ द अबव क्यू यू पी एस टी आई क्वेश्चन इज 6x। तो अगर आप इसको और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें और इसका जवाब लिख दें। अब ये देखें, अब इसको आप सेव करें कंट्रोल एस, या फिर यहाँ से आप इसको सेव कर लें। इसके बाद आप इसको अगर मिनिमाइज़ भी करते हैं तो ये देखें आपका ऑटोमेटिकली आंसर इधर सेव हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता ये बंद भी हो जाए, ये देखें मैं गलती से काम करता करता बंद हो गया, लेकिन मेरे पास ये जवाब आपका महफूज है। मैं इस पर फिर क्लिक करूँगा तो ये फिर ओपन हो जाएगा। ये देखें, मैं लेट्स सी, इसी को आपको समझाने के लिए, वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ। ये देखिए मैंने सेव किया है, उसके बाद इसको बंद किया है। ये देखिए मेरा जवाब जितना मर्जी बढ़ा होगा वो खुद ब खुद इधर का इधर सेव होता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपने इधर भी आप मैथ टाइप कर सकते हैं। तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है इसको इसमें इस्तेमाल करें। और डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह आपको लिंक देता रहूँगा। आप सबसे गुजारिश है कि देखें प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियो मैं आपको बना सकूँ। एग्ज़ाम से पहले मैं चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम्स में सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एग्ज़ाम सेंटर कैसा होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स देने जाना है, और एग्ज़ाम्स में सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होता है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यूज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।